जिन बाबाओं ने अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया, जिन बाबाओं ने अपने मन पर कंट्रोल कर लिया, वही तो साधु बाबा होते। जिसने अपने मन को साध लिया हो, जो अपने मन बुद्धि इंद्रियों का सही इस्तेमाल करके संसार में उतरे हो, समाज में उतरे हो, जिसने अपने काया पर अपनी आत्मा पर किसी प्रकार का दोष नहीं लगने दिया हो, जिसने अपने मन को अपने शरीर को अपनी इंद्रियों को साध लिया हो, वही तो साधु बाबा होते। साधा है, साधा सब शरीर आत्म बुद्धि साध, सत जगत साध के साधु संत कहा है। वो साधु बाबा होते हैं जिसने अपने मन बुद्धि और इंद्रियों का सही इस्तेमाल किया हो, जिसने कभी बहकने न दिया हो, वही तो साधु होते। जिसने अपने गृहस्थ आश्रम को सही से साधा हो, सही से कार्यकाल समाज को साधा हो, अपने संसार के, अपने गांव के, अपने गृहस्थ के सभी लोगों को साध रखा हो, जिसने हर समय बहकने डिगने न दिया हो, हर समय साध करके रखा हो, वही तो साधु बाबा कहलाते हैं, साधु होते हैं। जिसने समाज में हर जीव को हर कल्याणकर्ता, हर मनुष्य की उत्पत्ति, हर जीव, हर समाज, हर देख रेख करके अच्छे से साध रखा हो, जिसने अपनी इंद्रियों द्वारा किसी को विचलित नहीं होने दिया हो, वही तो साधु कहलाए जाते। जिसने परमपिता परमात्मा की साधना में अपना मन साध रखा हो, मन को कभी बहकने न दिया हो, मन जिसका विचलित न हुआ हो, वही तो साधु है। जिसने अपनी रचना को हर समय अपने कब्जे में रखा हो, जिसने कर्म इंद्रियों का सही इस्तेमाल किया हो, जिसने कर्म क्षेत्र में संसार में अपने कदम को सही से संभाल के रखा हो, साध करके रखा हो, जिसने कभी अपने संसार को डिगने न दिया हो, वही तो साधु कहलाते हैं। साधु का तात्पर्य परम शक्ति है। साधु एक परम संत है। साधु एक परम सद्बुद्धि है। साधु एक परम सत्य ज्ञान है। साधु एक अपने मन को इंद्रियों को विचलित नहीं होने दिया हो, वही तो साधु है। साधु जगत का कल्याण रूप साधु शब्द कदाए, साधु शब्द संसार में सबको साधा जाए, साधु से सबको संसार में साधने की उत्पत्ति प्राप्त की है। जिसने अपने संसार को सबको एक मुट्ठी में साध रखा हो, एक धुरी में साध रखा हो, वही तो साधु है। साधु ऐसा चाहिए सब संतों के बीच अपने मन को साध लिया, वही साधु हुए। तो अपने मन को जो साध लेता है वही तो साधु कहलाते हैं। अपने मन बुद्धि को जिसने साध लिया हो वही तो साधु कहलाते। अपने गृहस्थ को जिसने साध रखा हो, एक मुट्ठी में एक बंधी बढ़नी में कहलाते हैं, जिसने बांध रखा हो, जिसने साध लिया हो, वही तो साधु कहलाते हैं। जिसने अपने समाज को कभी बहकने न दिया हो, अपने समाज को अपने संसार को एक मुट्ठी में समा के रखा हो, जिसने संसार की जगत के जीवों का कल्याण करते हुए अपने उत्पत्ति द्वारा अपनी रचना द्वारा बांध रखा हो, वही तो सामाजिक, वही तो गृहस्थ के, वही तो संसार के साधु कहलाते हैं। साधु ऐसा चाहिए दीनन संत कहा है, जिसने साधक मार्ग को साधु तत्पर जाए।
जिसने परमात्मा की रचना को हर समय साध करके रखा हो, जिसने परमात्मा की प्राप्ति साध करके कर ली हो, जिसने परमात्मा की उत्पत्ति का रहस्य जान के समाप्त लिया हो, वही तो साधु होते। जिसने अपने संसार को संभाल लिया हो, जिसने अपने संसार को साध लिया हो, कहीं गिरने ना दिया हो, वही तो साधु है। साधु, संत और महात्मा, इन तीनों के अलग अलग प्रकरण हैं, अलग अलग लक्षण हैं, अलग अलग विलक्षण हैं, अलग अलग कुल नीति है, अलग अलग संसार नीति है, अलग अलग प्रावधान हैं। इन प्रावधानों को अपने संसार में अपनी मन बुद्धि द्वारा उतारिए कि संसार में ये तीनों बाबा होते क्या हैं। जिन बाबाओं का विश्लेषण सदा सत्मार्ग द्वारा, निर्मल सत्संग द्वारा आपको हमेशा मिलता रहेगा। आप चैनल से जुड़े रहिए, सत्य ज्ञान की प्राप्ति हमेशा होती रहेगी। परम सत्य है क्या, इन बाबाओं का विश्लेषण आपको हमेशा पहुंचता रहेगा। इन बाबाओं से आपका तात्पर्य क्या है, क्योंकि बाबा कोई अंत नहीं, जग बाबा कहलाए, जीवन उतरो आपनो सही समाज कहाए। जो लोग समाज में सही उतरते हैं, खरे उतरते हैं, वही तो बाबा कहलाए जाते हैं। बाबा के तीन प्रकरण होते हैं। पहला होता है साधु बाबा। साधु बाबा का विश्लेषण आपको हम दे रहे हैं, उसको आप अच्छे से समझिए, उसको आप अच्छे से अपने जीवन पर उतारिए कि जिसने अपने मन बुद्धि को साध रखा हो, अपनी इंद्रियों को कभी बहकने न दिया हो, वही तो साधु बाबा कहलाते हैं। साधु बाबा हो या साधु भाई हो, वो तो दैन जीव ही हैं, क्योंकि परमात्मा जीव ही, जीव शक्ति निधान कहा है, जीव जगत गुरु कहा है, जीव से उत्पत्ति भई, जीव ही सृष्टि समाए, क्योंकि जीव ही संसार में उत्पत्ति होता है, जीव से ही मृत्यु होती है, जीव की ही सदा सत्य होती है, जीव ही बाबा कहलाए जाते हैं। साधु बाबा हो या और बाबा हो, बाबा का प्रकरण अपने जीवन पर उतारिए, अपने मन पर उतारिए, अपनी सद्बुद्धि का सही इस्तेमाल कीजिए, अपने ज्ञान, अपनी सक्षमता, अपनी निर्मलता, जिसको किसी ने बहकने न दिया हो, वही तो बाबा होते हैं। वो जिसने कभी संसार में किसी को समाया ना हो, समाप्ति ना की हो, जिसको संसार में साध के रखा हो, वही तो साधु बाबा कहलाते हैं। साधु, संत, ये महंत, ये जगत के तीन प्रकार के बाबा हैं। तीनों प्रकार के गुण अपने अपने प्राप्त करके इस संसार में कदम को बढ़ाते हुए और उस परमात्मा की प्राप्ति करते हुए निकल पड़ते हैं, जो संसार में जिस प्रकार उस परमात्मा की प्राप्ति हो, संसार में सभी का कल्याण हो, संसार में सभी जीवों की रचना उस परमात्मा में लीन हो जाए, जो सदा सत्य के मार्ग पर चले, उसको सदा पद परमात्मा के साक्षात्कार दर्शन होते हैं, साक्षात्कार परमात्मा की प्राप्ति होती है, हर समय आपका जीवन सद्बुद्धि सद्गुणों से भरा रहे, आपको परमात्मा की अवश्य प्राप्ति होगी। यही सत्य ज्ञान आपको हमेशा कराते रहते हैं, यही सत्य ज्ञान की आपको आवश्यकता है। आप चैनल से जुड़े रहिए, उस परमात्मा की खोज कीजिए, उन बाबाओं की खोज कीजिए कि असली बाबा क्या हैं और नकली बाबा क्या हैं। असली और नकली का खेल जगत में जाने बिसरा जान, भेद स्वरूप जो जगत माने, अंतर ध्यान कहान। इस संसार में अंतर ध्यान होना ही एक साधु है। साधु ऐसा हो जो जगत का कल्याण करे, साधु ऐसा हो जो अपने संसार का कल्याण करे, साधु ऐसा हो जो परम शक्ति से भरपूर हो, साधु ऐसा हो जिसने अपनी सद्बुद्धि, अपने ज्ञान भावना से अपनी इंद्रियों पर विजय कर ली हो, अपने इंद्रियों पर राज्य करता हो, अपने कर्म इंद्रियों पर सबसे क्षमता रखता हो, वही तो साधु कहलाते हैं। जिसने अपने संसार को, अपने गृहस्थ को, अपने शरीर को साध रखा हो।
यही तो साधु बाबा का प्रकरण है। अब आता है अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में संत बाबा क्या है। संत बाबा के लिए अगले चैनल पर जुड़े रहिए, आगे आपको अवश्य प्रावधान मिलते रहेंगे। सत्य ज्ञान की खोज कीजिए, सत्य परमात्मा की खोज कीजिए, आपका कल्याण होगा। हमेशा परमात्मा से जुड़े रहिए, हमेशा चैनल से जुड़े रहिए, सत्संग से जुड़े रहिए, जिसकी आपकी आत्मा आपकी सद्बुद्धि का दुरुपयोग न हो, उसको सद्बुद्धि ज्ञान की प्राप्ति हो, सदा सत्य की मार्ग मिले, सदा सत्य की राह मिले, सदा परमात्मा की राह मिले, आपका हमेशा कल्याण होगा। सत गुरुदेव।